हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर डुरेंट कप का मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा केरला ब्लास्टर्स वर्सेस पंजाब के बीच 4 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो आपको एक बात बताऊँ कि इस मैच में इन्होंने बहुत ना दिमाग से काम किया है। इनको पता है कि डुरेंट कप लीग है, ठीक है, ये डुरेंट कप नाम की चल रही है। इन्होंने पिछला मैच जो था इनका मुंबई सिटी से, वो असली मुंबई सिटी टीम नहीं थी, उनमें एक भी प्लेयर मुंबई सिटी का था ही नहीं ढंग का जो मेन हो, ठीक है, पुराने प्लेयर थे। उसके बाद बात करूं अगर इसकी पंजाब टीम की, वैसे अगर इनका पंजाब टीम से रियल मैच हो रहा था तो पंजाब एक बार भारी पड़ जाती, लेकिन ये पंजाब मेन टीम नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ लिख के ले लो, आज केरला ब्लास्टर्स, आज भी पिछले मैच में 8 गोल हुए थे, आज भी 6-7 गोल होंगे ही होंगे, लिख के ले लो ये बात, केरला ब्लास्टर्स जीती हुई है ये मैच, आँख बंद करके कह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं लूँगा सबसे पहले देखिए इनका प्लेयर के पेपरा को, ठीक है, के पेपरा इज़ अ मेन प्लेयर। जैसे पिछले मैच में इस बंदे ने हैट्रिक जो की थी, मतलब कमाल यार, मतलब क्या कहूँ मैं। पिछले मैच में मेरा कैप्टन था एन वली सडौई, इस बंदे ने प्रीवियस मैच में हैट्रिक की थी, उसने भी हैट्रिक की। तो दो खिलाड़ियों की हैट्रिक आ रही हो फुटबॉल में, क्रिकेट में आ जाए ना 3 छक्कों की, हमें बंदा भूल जाता है, ये भूली नहीं जाती ये बातें, इसलिए इन दोनों को तो मैं ज़रूर लूँगा। उसके बाद लूना, ये निकलस लूना वैसे बहुत अच्छा है। निकलस लूना इसलिए फ्लॉप हुआ लास्ट मैच में, द मेन रीज़न इज़ क्योंकि उस मैच में एन वली एक नया प्लेयर इनकी टीम में आया था जो पहले एफसी गोवा में था। तो यार देखो ना, जब कोई नया प्लेयर आएगा तो नेचुरली उसके ऊपर पूरी टीम का एक, जैसे लाइक बोलते हैं ना, शोल्डर पे सारा भार था उसके। तो बट इसने जो गेम प्ले दिया वो अमेजिंग था। उसके बाद फारूक भट्ट ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी जो रिस्पेक्ट एमन की है, ठीक है, जो एमन मोहम्मद एमन ने जो पिछले मैच में जो गेम प्ले दिया, मुझे लगता है कि वो फारूक भट्ट से बेटर था। फारूक भट्ट वैसे कभी नहीं चलता, वो ज़्यादा गोल हुए तो बीच में 2 असिस्ट आ गई, लेकिन असल में आप सब जानते हैं कि फारूक भट्ट इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आई पंडिता के 2 गोल आए थे, बट वो सब्स्टिट्यूट था, इसलिए सब्स्टिट्यूट की बात ना ही करें। ऑपोजिशन में एल मैच के अंदर मेन प्लेयर, पंजाब टीम के मेन प्लेयर कहीं नहीं अवेलेबल, लेकिन ये बंदा फाड़ू है। मतलब मैं कहता हूँ कि ये ऐसा बंदा है, अगर KBFC वहाँ से गोल कर रही है ना, उनको डर होगा कि मैच कन गोल ना कर दे, इतना पावरफुल। पूरी पंजाब टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेयर अगर कोई है तो वो इकलौता मैच कन। उसके बाद स्वदेश हो गया, ये बाकी प्लेयर तो बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है। एन मेटी बहुत अच्छा है, लेकिन लूँगा नहीं क्योंकि बड़ा मैच है ये। और बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो वी राय को यहाँ पर लूँगा। वी राय के बाद नेक्स्ट प्लेयर है एफ़ मर्ज़ेलजेक, क्योंकि मैं किसी भी डिफेंडर के साथ नहीं जाने वाला, एंड स्पेशली मैं एन प्रभु को भी नहीं लेने वाला इस मैच में, बिकॉज इस मैच में जो काम मर्ज़ेलजेक कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई और कर पाएगा। डिफेंडिंग सेक्शन में ड्रिंकिक, ठीक है, ड्रिंकिक के बाद डॉलिंग के बाद जो मैंने पिछले मैच में लाइक मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने शायद हॉर्मी इसको लिया था, आर हॉर्मी पैम को, मैंने मोहम्मद को छोड़ा था, बट दोनों ने पॉइंट इक्वल दिए थे तो कोई डर नहीं था मेरे को। एंड बात करें यहाँ से, तो आर कुमार के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा, पंजाब टीम का नॉर्मल सा गोलकीपर। एंड बात करें कप्तान की, देखिए कप्तान तो इसी को रखना है, पिछले मैच में बहुत कमाया आपने इससे, आज भी रखो। एंड वाइस कैप्टन की बात करें तो के पेपरा, जो बंदा हैट्रिक कर सकता है उसके लिए एक गोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो ये सीखी है, तो मैं तो इनके साथ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।